बात रखी जा रही है। हमारे विभिन्न साथी ऐसे एस पी ओ बी सी समाज के साथी जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। यूजीसी ने जो 5 मार्च का लेटर जो यूजीसी ने किया है, उस 5 मार्च के लेटर के विरोध में पूरे देश के अंदर एस सी एस टी शिक्षक कहीं ना कहीं अपनी बात को बहुत मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में एस सी एस टी ओबीसी को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था और पढ़ाने का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो आज हम कह सकते हैं कि ये मनुवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उस मनुवादी व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहते हैं और एस सी एस टी ओबीसी को शिक्षा से बाहर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे शिक्षक नहीं होंगे, अगर हमारे यहाँ पे टीचर्स नहीं होंगे, तो फिर जो ब्राह्मणवादी शिक्षक हैं, जो मनुवादी शिक्षक हैं, वो अपनी मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, इनको ये समझ में आ गया है कि पिछले 20-30 साल के अंदर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी के शिक्षक आए हैं, उन शिक्षकों की वजह से मनुवादी वर्चस्व कहीं ना कहीं कांपने लगा है। उसको डर लगने लगा है कि अगर इसी तरीके से नैतिकता, ईमानदारी और मानवता का जो संदेश ये लोग लेके आते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ एक ये हमारी ये खास विशेषता है कि एस सी एस टी ओबीसी शिक्षक जब यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता है तो वो भेदभाव नहीं करता है। कोई भी शिक्षक हो, कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके साथ जो है वो मानवीय व्यवहार करता है। वो ब्राह्मणवादी शिक्षक की तरह नहीं है कि जाति के आधार पर मार्क्स देगा, जाति के आधार पर उसका मनोबल गिराएगा, बल्कि हम एक मानवीय नैतिकता के आधार पर स्टूडेंट्स के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, उनको जो है अच्छे से पढ़ाते हैं। इसीलिए आज देख रहे हैं कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर, मैं समझता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे हमारे यंग टीचर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे शिक्षक जो हैं अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर्स हैं। टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाते हैं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे कोई आका नहीं है, हमारे कोई जो है उस तरह के पॉलिटिकल सपोर्ट हमें नहीं है, हमारी मेहनत, हमारी योग्यता ही हमारी अपनी सिर्फ एक शील्ड है। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। इस चीज़ को, हमारी ईमानदारी को, हमारी मेहनत को, हमारी गैर भेदभावकारी नीति की वजह से जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, वो अब कहीं ना कहीं गिरने लगा है, उसको कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊंच नीच नहीं रहेगी तो ब्राह्मणवाद नहीं रहेगा। अगर आप जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला भेदभाव खत्म कर देंगे तो ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालयों में आकर आपने अपनी ना सिर्फ मानवीय गरिमा को स्थापित किया, बल्कि इन विश्वविद्यालयों के अंदर आपने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी की है, जिससे ब्राह्मणवाद बुरी तरीके से गड़ा हुआ है। और इसीलिए ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे एस सी एस टी ओबीसी के शिक्षक आए। इसीलिए एस सी एस टी ओबीसी के शिक्षकों को रोकने के लिए ये कभी कोर्ट का सहारा लेते हैं, कभी जातिवादी प्रशासन का सहारा लेते हैं और वर्चुअली एस सी एस टी ओबीसी के रिजर्वेशन को 5 मार्च के लेटर के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसका जीता जागता परिणाम यह है कि 194 पोजीशन जो अभी तक एडवर्टाइज हुई हैं, उन 194 पोजीशन में से एस सी एस टी ओबीसी को सिर्फ 3 पोजीशन मिली है। देखिए किस तरह की व्यवस्था, संविधान के हिसाब से उनको 97 पोजीशन जानी चाहिए थी, क्योंकि उनका रिजर्वेशन 49.5% है। सो इस भेदभावकारी नीति के खिलाफ पिछले 2 महीने से एस सी एस टी ओबीसी के शिक्षक पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था के ऊपर, इन मनुवादी लोगों के ऊपर अभी कोई इस तरह का जो है इनके कान पे जू नहीं रह गई है। हमने 15 मार्च को भी यहीं पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसके अंदर 1,500-2,000 शिक्षक यहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ कहा कि भाई हम SLP डाल रहे हैं। उसके बाद 20 अप्रैल को एक झूठा और मैं कहूँगा कि शरारतपूर्ण लेटर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया कि हमने SLP डाली है। भाई हम आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि आपने SLP डाली है नहीं डाली है, SLP डाल के भी आप क्या होने वाला है। आपको उस लेटर में लिखना चाहिए था कि 5 मार्च का जो लेटर है वो इनफ्रैक्चुअस हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने SLP डाल दी है, इसलिए उस पर किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आपने ये उसके अंदर नहीं लिखी। दूसरी बात, अगर आपने SLP डाल भी दी है तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा जो है उसकी जो जातिवादी मानसिकता है उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। आमतौर पर ये रिजर्वेशन के खिलाफ
निर्णय देते हैं, इसलिए इन निर्णयों के खिलाफ जब बार बार SC ST OBC के खिलाफ न्यायालय कोई न्याय नहीं दे पा रहा है तो वहां पे SLP का कोई मतलब नहीं होता है। आपको ऑर्डिनेंस लाके, आपको जो है एक ऑर्डिनेंस लेके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आप जो है संविधान में, संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाके, उस सुप्रीम कोर्ट का भी पहली बात तो कोई ऑर्डर नहीं था, उसको खत्म कर सकती थी, लेकिन आपने सही तरीका ना अपना के एक डिले करने की टेक्निक अपनाई है। उस डिले करने की आपकी झूठी, आपकी जो गंदी मानसिकता है, आपकी जो जातिवादी मानसिकता है, उस जातिवादी मानसिकता के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं। थोड़ी देर में हम उस 5 मार्च के लेटर का जो है यहाँ पे, उस 5 मार्च के लेटर को जलाएंगे भी, क्योंकि हम उस लेटर को स्वीकार नहीं करते हैं। अब किसी भी सूरत में SC ST OBC शिक्षक जो है या SC ST OBC समाज जो है वो अब आपके अत्याचार को नहीं सहेगा। अब ये फूले अम्बेडकर पेरियार की जो है के वंशज हैं, पुरियार के परिवार के लोग हैं, वो अब संघर्ष करना सीख चुके हैं। 2 अप्रैल को हमने दिखा दिया कि अगर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका प्रतिकार भी किया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं जो है हमें उसको रिटॉर्ट भी करना पड़ेगा। और साथियों, शिक्षकों के सामने जब आप आते हैं, आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय पे इनके अनुसार लगभग 1 लाख SC ST OBC शिक्षक हैं। अगर SC ST OBC शिक्षकों ने ये ठान लिया कि इस सरकार को हमें, इस जातिवादी सरकार को हमें रुकने नहीं देना है, तो ये 1 लाख शिक्षक जो है मोदी सरकार की नींव हिला देंगे, इसकी बुनियाद को हिला देंगे। और 2019 का चुनाव नजदीक है, अगर SC ST OBC के लोग, SC ST OBC के शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार भी जान ले कि ये सरकार भी अब सुरक्षित नहीं है, इस सरकार को भी हम बदल के रहेंगे। ये सरकार जो है जातिवादी मानसिकता के तहत, प्रकाश जावड़ेकर जातिवादी मानसिकता के तहत, ये RSS के इशारे पे, मनुवादी मानसिकता के इशारे पे जो है कहीं ना कहीं ये SC ST OBC को शिक्षक बनने से रोकना चाहती है। साथियों, हमें इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो 2019 के अंदर, या मैं तो ये कहूंगा कि 2 दिन बाद जो है कर्नाटक में भी चुनाव होने वाला है, वहां पे भी हम अपने साथियों से अपील करें कि इस सरकार को, इनकी जो मनुवादी सरकार, इनकी जो मनुवादी केंद्र की सरकार है, उसके खिलाफ वोट डालें। क्योंकि जब तक इनको वोट की चोट नहीं दी जाएगी तब तक ये समझेंगे नहीं। इनको निश्चित रूप से बताना पड़ेगा कि जनता का शासन है, और जनता के शासन में जनता के अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनके जो है सुविधाओं की बात होनी चाहिए। आप चंद मनुवादी लोगों को, चंद जातिवादी लोगों को, चंद ब्राह्मणवादी लोगों के लिए इस देश के संसाधनों को उनके हाथ में नहीं दे सकते हैं। आज दिल्ली, आज देश के अंदर 45 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से SC ST OBC का सिर्फ 1 व्यक्ति है, ये कितनी शर्म की बात है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, वो दोनों मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है, लेकिन आज जब सरकार इस तरह की हरकतें कर रही है, सरकार बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करती है और महापुरुषों के बारे में बात करती है, लेकिन जब उनके असली हक देने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं इनके हकों को काटने की बात करती है, काटने का काम करती है, चाहे 5 मार्च का लेटर है या UGC के द्वारा। और आप जानते हैं कि एक और जो निर्णय UGC ने 2016 में दिया, उसमें MPhil और PhD में एडमिशन के लिए इन्होंने 100% इंटरव्यू कर दिया। जब आप 100% इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आप अपनी पसंद से, अपने हिसाब से लोगों को एडमिशन देने वाले हैं। और उसका परिणाम भी ये हुआ कि 50% आपने स्क्रीनिंग कर दिया, 50% जो है आपने कट ऑफ कर दिया JNU के अंदर, और देश के पूरे विश्वविद्यालयों के अंदर पिछले साल जो है आमतौर पर MPhil PhD में एडमिशन नहीं हुई। तो अब ये अपनी उस व्यवस्था को, पुरानी मनुवादी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं। साथियों, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, हमें कहीं ना कहीं इस सरकार को ये समझाना होगा कि ये सरकार वास्तव में जनता की सरकार नहीं है। और अगर जनता ने ये सोच लिया कि हमारी सरकार नहीं है तो फिर वो अपनी बात को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत जो है मजबूती के साथ आगे रखेगी। इसको, इस सरकार को इसका राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा।